अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद बलोच अपने एक नए व्लॉग के साथ, जो कि अब्दुलरहमान बताएगा कौन से जगह का व्लॉग है। बाकी कुछ बताओ, कौन से जगह का व्लॉग है आज? आज हम लोग जा रहे गंज में, पुल वाला जगह आपको दिखाते हैं, वहाँ पर व्यूज वगैरह। फिर वहाँ से आगे अपन निकलेंगे उधर जिवली की तरफ, उधर आपको सनसेट का नज़ारा भी दिखाएंगे, फिर आगे देखते रहिए। ओके, फिर आपको रास्ते का इंशाल्लाह शॉट दिखाएंगे, दो तीन सिनेमैटिक शॉट भी दिखाएंगे, तो वहाँ पे पहुँचेंगे, वहाँ का व्यू भी दिखाएंगे। बाकी लड़के सब रेडी हैं। ओके, फिर आपको इंशाल्लाह वहीं पे मिलते हैं। हम लोग आते रास्ते में तो पहुंच गए, दो तीन सिनेमैटिक शॉट भी ले लिए, बहुत ही प्यारे सिनेमैटिक शॉट आए हैं, वो भी आप लोग देख लेना। और यहाँ से जो है ना, अभी 10-15 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग वहाँ पे पहुंच के आप लोगों को दिखाते हैं। और यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है आगे, सही है। फिर आप लोगों को वहीं पे लोकेशन में ही पहुंच के दिखाते कि क्या बेहतरीन लोकेशन है। ओके लो। तो हम लोग फाइनली लोकेशन पे तो पहुंच गए, उस लोकेशन पे तो नहीं पहुंच पाए, क्योंकि यहाँ पे जो एक महीने पहले यहाँ पे एक हादसा हुआ था, उसके वजह से ये जगह बंद कर दिया गया है ना, तो इस वजह से हमें अंदर जाने नहीं दे रहे, बोले कि अलाव नहीं है। तो आप लोगों को व्यू दिखाऊंगा, वीडियो डालूंगा, किसी जगह से होता है कि वीडियो डालूंगा, बहुत ही अच्छा व्यू है, मगर हमें अंदर जाने नहीं दे रहे, तो हम लोग किसी और जगह पे जाते हैं, वहाँ का आप लोगों को दिखाते। फिलहाल अभी तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि रात का टाइम है और पूरा जगह पहाड़ी पहाड़ी है, ये देखो हर जगह पहाड़ी पहाड़, रास्ता नहीं है, सारा कच्चा ऐसा रास्ता है, कच्चा रास्ता है और पक्का तो नहीं है, पक्का रोड नहीं है, इसलिए हम लोग अभी लेट हो रहे हैं, अगर ज़्यादा लेट करें तो रास्ता हमें नहीं मिलेगा, इसलिए ग्वादर को निकलने का करते हैं, ग्वादर के साइड, तो चलो इंशाल्लाह वहीं पे ही मिलते हैं। तो हम लोग गंज से निकलते घर में पहुंच गए थे तो थके हुए थे, इसलिए वहां पे वो लोग नहीं बनाया, इसलिए थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम लोग फिर बाहर निकले, होटल में आए हुए। और ये हमजा हमें बताएगा होटल, सॉरी कैफे का नाम, हमजा बताओ कैफे का नाम। कैफे कलीला। कैफे का नाम है कलीला, कलीला नहीं है, ये बताएगा, ये कैफे फदीजर है। चलो असीम भाई ने हमें बताया, बहुत ही अच्छा होटल है जो कश्ती के ऊपर बना हुआ है, बिल्कुल ग्वादर के समंदर के पास ही है। ये होटल का व्यू है, चेक करो, पीछे समंदर है। तो यहीं पे मैं वो लोग को एंड करता हूँ। चलो अब्दुलरहमान, अभी आप बताओ वो लोग का एंडिंग। यहाँ से हम लोग व्लॉग को करने लगे एंड, उम्मीद है कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं कल अगले व्लॉग में, जाएंगे सोरबंदर, फिर वहाँ का व्यू आपको दिखाएंगे, इंशाल्लाह। देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाओ इस व्लॉग पे, 100 लाइक करवा दो।
चलो भाई, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। ओका प्यार।